नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीप और आप सभी का फिर से हमारे छोटे से YouTube चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने टैब से रिलेटेड काफी सारी वीडियो बना रखी है। अगर आपका टैब अनलॉक हो चुका है तो दोस्तों यहाँ पे टैब को बिल्कुल भी आप रिस्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे दोबारा से अगर आप उसे अनलॉक करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे वाइप डाटा वाला ऑप्शन नहीं आएगा। और दोस्तों यहाँ पे आप सभी को पता है कि जिनका टैब अनलॉक नहीं हो पा रहा, तो उस पर मैंने एक नेक्स्ट वीडियो बना रखी है जिसका लिंक मैं आई बटन के अंदर दे दूंगा। वहां से भी आप अपने टैब के अंदर काफी सारी एप्लीकेशन चला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप इसके अंदर क्रोम ब्राउजर, गूगल प्ले स्टोर या फिर सैमसंग ऐप स्टोर, काफी सारी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पे इस टैब के अंदर आप क्या क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादातर आप सभी के मैसेज या कमेंट आते हैं कि हमारा यूट्यूब नहीं चल रहा। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें इस यूट्यूब के अलावा, यहाँ पे आप काफी सारी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें YouTube के बारे में, तो यहाँ पे जब आपका 1 जुलाई या फिर 2 जुलाई को जब आपका स्कूल या कॉलेज खुल जाएगा, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपके जो टैब है वो आपके गवर्नमेंट सरकार ने जो अनलॉक कर रखे है उसकी यूजर आईडी और पासवर्ड आपके टीचर्स के पास होगी। तो तब आपके जितने भी टैब है उनमें यूट्यूब चलना शुरू हो जाएगा या फिर अनदर एप्लीकेशन भी अनलॉक हो जाएंगी। तब तक दोस्तों यहाँ पे काफी सारी सिक्योरिटी को बढ़ा दिया गया। दोस्तों यहाँ पे मेन कारण कि आप इसके अंदर काफी सारी चीजें सर्च करें कि दोस्तों यहाँ पे आपका टैब कंप्लीटली अनलॉक नहीं है। जो भी आप इसके अंदर कुछ कर रहे हैं या फिर आप कुछ भी गलत चीज सर्च कर रहे हैं या फिर आप इसके अंदर कुछ भी डाउनलोड कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपकी सरकार के पास इंफॉर्मेशन है जिनका टैब अभी अनलॉक नहीं है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे मैंने काफी सारी एप्लीकेशन इस तरीके से अनलॉक की है। इसमें अभी प्ले स्टोर के अंदर एक यूजर आईडी और पासवर्ड है गवर्नमेंट की, जिससे पता चल जाता है कि आपने क्या क्या डाउनलोड कर रखा है, आपने कब किस टाइम कौन सी एप्लीकेशन कब किस तरीके से सर्च किया। हर एक जानकारी आपकी इस टैब की जानकारी गवर्नमेंट सरकार के पास है या फिर आपके टीचर के पास है या फिर आपके प्रिंसिपल सर के पास है। तो यहाँ पे आप कोई भी गलत चीज या कुछ भी अनदर चीज सर्च मत कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें लेकर आप इसके अंदर गेम्स डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ और अनदर एप्लीकेशन खेलते हैं, तो यहाँ पे कोई भी परेशानी नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के अंदर आप काफी सारी एप्लीकेशन का यूज कर सकते हैं। यहां से अगर आप इसके अंदर कुछ डाउनलोड करना चाहते हैं, गेम भी खेलना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके सामने ही सैमसंग ऐप स्टोर का एक ऑप्शन दिखाई देगा जिसके अंदर से आप कार वाली गेम खेल सकते हैं, ट्रैक्टर वाली गेम खेल सकते हैं, काफी सारी छोटी छोटी गेम उनको भी खेल सकते हैं। अगर हम बात करें ऑनलाइन मूवीज देखना चाहते हैं, तो यहाँ से आप सैमसंग ऐप स्टोर से एमएक्स प्लेयर पर वेब सीरीज भी देख सकते हैं, अमेजोन प्राइम का भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इसके अंदर म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्रोम ब्राउजर के अंदर जियो सावन से भी म्यूजिक सुन सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म से म्यूजिक सुन सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आप कोई भी एप्लीकेशन का इसके अंदर यूज कर सकते हैं बिना यूट्यूब के, क्योंकि आप सोच रहे हैं कि यूट्यूब पर ही आप सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें म्यूजिक सुनना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप स्पॉटिफाई से भी म्यूजिक सुन सकते हैं, गेम्स भी खेल सकते हैं। लेकिन हम बात करें इसमें आप व्हाट्सएप यूज नहीं कर सकते, कोई भी अनदर एप्लीकेशन इसके अंदर डाउनलोड नहीं कर सकते, या फिर आप इसके अंदर कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का भी यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जिन एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हैं उन एप्लीकेशन का भी यूज कीजिए, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड जानकारी देने की पूरी कोशिश करूंगा। या फिर आपको ज्यादा परेशानी आती है या आपके टैब में फिर भी कोई परेशानी आती है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहां से मैं आपको सभी जानकारी दे दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आपके छोटे से इन्फॉर्मेशन काफी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मैं आपके लिए ऐसे अपडेट लेकर आता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट नए वीडियो में। ओके बाय, टाटा।